नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, किडनी के विषय में, किडनी को स्वस्थ बनाने के विषय में। इन आदतों से होती है आपकी किडनी खराब। दोस्तों, क्रोनिक किडनी की बीमारी और किडनी के खराब होने के मामले हमारे देश और पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारी कुछ खराब आदतें। किडनी की बीमारियां एंड किडनी फेल्यूर पूरे विश्व एंड भारत में खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है। भारत में प्रत्येक 10 में से एक इंसान को किसी न किसी रूप में क्रोनिक किडनी की बीमारी होने की संभावना होती है। हर साल करीब 1.5 लाख लोग किडनी फेल्यूर की अंतिम अवस्था के साथ नए मरीज बनकर आते हैं, जिन्हें या तो डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ आम आदतें किडनी की सेहत बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किडनी को खराब करने वाली आदतों के बारे में। पानी कम पीना। पानी कम मात्रा में पीने से किडनियों को नुकसान हो सकता है। पानी की कमी के चलते किडनी और मूत्र नली में संक्रमण होने का खतरा बहुत अधिक होता है, जिससे पोषक तत्वों के कण मूत्र नली में पहुंचकर मूत्र की निकासी को बाधित करने लगते हैं और साथ ही किडनी में स्टोन की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। पानी ज्यादा पीना। अधिक पानी पीना भी किडनी की समस्या को निमंत्रण देता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को उसकी ताकत से अधिक काम करने को देंगे तो वह भी एक दिन थक जाएगा। उसी प्रकार किडनी को सही रूप से काम करने के लिए 3 से 5 लीटर तक पानी नियमित देना चाहिए, ना 3 लीटर से कम और ना 5 लीटर से ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक पीना। कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले केमिकल किडनी खराब करने के लिए बहुत अधिक जिम्मेवार हैं। इनके सेवन से बचना चाहिए। धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन। धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन करने से भी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसके कारण ऐसे रोग हैं जिनसे आपकी किडनी पर भी खतरा बनता है, जिससे रक्त नलिकाओं में रक्त का बहाव धीमा पड़ जाता है और किडनी में रक्त कम जाने से उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। इसलिए धूम्रपान और तंबाकू का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर पेशाब न जाना। देखिए, रात भर में मूत्राशय पूरी तरह मूत्र से भर जाते हैं, जिसे सुबह उठते ही खाली करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम आलस की वजह से लोग मूत्र नहीं त्यागते तो काफी देर तक उसे रोके रहते हैं, तो आगे चलकर यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। पेशाब को रोकना। पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। पेशाब से शरीर के सभी गंदे पदार्थ मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकलते हैं, इसलिए किसी भी हालत में पेशाब को नहीं रोकना चाहिए। नमक का अधिक सेवन। यह सत्य है कि नमक हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन उल्टा प्रभाव डालता है। हमारे द्वारा भोजन के माध्यम से खाया गया 95% सोडियम गुर्दे द्वारा मेटाबोलाइज्ड होता है, इसलिए नमक का अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में सेवन गुर्दों की क्रियाशीलता को बढ़ाकर उनकी शक्ति को क्षीण करता है। हाई बीपी के इलाज में लापरवाही। उच्च रक्तचाप अर्थात हाई बीपी के इलाज में लापरवाही किडनी समस्या के एक बहुत बड़ा कारण होती है। इसलिए हमेशा उचित समय पर अपना बीपी नापकर नियंत्रित रखें, क्योंकि यह क्रोनिक किडनी की बीमारियों के लिए दूसरे नंबर पर आने वाला कारण होता है। शुगर के इलाज में कोताही करना। मधुमेह के शिकार लगभग 30% लोगों को किडनी की बीमारी हो ही जाती है और किडनी की बीमारी से पीड़ित 1/3 लोग मधुमेह पीड़ित हो जाते हैं। इससे यह बात तो तय है कि इन दोनों समस्याओं का आपस में ताल्लुक है, इसलिए खून में शक्कर की मात्रा को कंट्रोल रखना आवश्यक होता है, साथ ही खान पान को कंट्रोल में रखना। ज्यादा मात्रा में पेन किलर लेना। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयों की खरीद से बचें। बिना डॉक्टर की सलाह के दुकान से पेन किलर दवाइयां खरीदकर उनका सेवन किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है। अन्य नुकसानदेह आदतें। किडनी को खराब करने में कुछ अन्य आदतें जैसे बहुत ज्यादा शराब पीना, पर्याप्त आराम न करना, सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा ज्यादा लेना, देर तक भूखा रहना या दूषित भोजन करना, हाइपरटेंशन का इलाज ना कराना और बहुत ज्यादा मांस खाना भी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से किडनी को भारी नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, आप भी इन आदतों को आज ही बदल डालिए ताकि आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।